आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। भंडारा जिले में 30 जून को 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 16 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं जिले में अब तक कुल 59,482 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 58,314 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में 40 मामले सक्रिय होकर उपचार ले रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 1,056 मरीजों की मृत्यु हुई है। पाए गए 7 मरीजों में भंडारा तहसील के 2, लाखनी के 3, साकोली का 1 और लाखांदुर के 1 मरीज का समावेश है। भंडारा जिले में अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.04% हो गया है और मृत्यु दर 1.90% है। बता दें कि जिले में अब तक 4,16,164 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 59,482 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। आज जिले में 680 सैंपलों की टेस्ट की गई और उनमें से 7 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। भंडारा जिला लगातार कोरोना से उबरता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, उसी प्रकार मृत्यु दर भी घटता दिखाई दे रहा है, किंतु इसके बावजूद भी सभी सावधानियां और सतर्कताएं बरतना आवश्यक है ताकि तीसरी लहर का प्रभाव भंडारा जिले पर ना पड़ सके। इसलिए शासन प्रशासन द्वारा जारी सभी नियमों का कठोरता से पालन करें। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।